हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस। परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में मैं दिलीप पुरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पॉलिटी में आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और डीपीएसपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी भी कहा जाता है। डीपीएसपी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। और क्योंकि हमारी गवर्नेंस, हम कंट्री की बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो इंडिया की गवर्नेंस अगर हमें देखनी है या उसका पॉलिटिकल सिस्टम हमें समझना है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनफैक्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक सिटीजन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चेक करना है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्क को चेक करना है या किस तरीके से देश की गवर्नेंस की जा रही है, वेदर इट इज राइट और इज इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको चेक करने के लिए डीपीएसपी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो नॉट ओनली आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज इंपॉर्टेंट, अपार्ट फ्रॉम दैट जैसा आप सबको नागरिक एक अच्छा बनना है, एक अवेयर सिटीजन बनना है, तो उसके लिए भी डीपीएसपी की समझ बहुत ज्यादा जरूरी है। और इनफैक्ट अगर आप वोट डालना चाहते हैं, आप वोट डालते हैं, डालना ही चाहिए, तो वोट डालने के लिए डीपीएसपी की समझ बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने भी मेरी जिंदगी में वोट डालना जब ही चालू किया जब मुझे डीपीएसपी समझ में आया, जब मैंने डीपीएसपी पढ़ा, जब मुझे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी समझ में आया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स ने इसे क्यों डाला गया था, किस पर्सपेक्टिव के साथ डाला गया था और क्या सरकारें इस डीपीएसपी को फॉलो कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं, उसी के बेस पे आकलन करके आपको वोट डालना चाहिए। तो क्योंकि आपका वोटिंग एक अधिकार है, वोट आपको डालना चाहिए, तो डीपीएसपी आपके लिए इनएविटेबली सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। फंडामेंटल राइट्स भी इंपॉर्टेंट है जैसा आपको सबको पता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स एक अधिकार, एक आम आदमी को मूल अधिकार दे दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए गए हैं, अगेंस्ट द स्टेट दे दिए गए हैं, स्टेट पे रोक लगा दी गई है कि आप किसी भी तरीके से किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायोलेट नहीं कर सकते, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। बट डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी महत्वाकांक्षा है, डीपीएसपी आदर्श है, प्रिंसिपल है कि इस तरीके का डायरेक्शन होना चाहिए, इस तरीके से गवर्नेंस होनी चाहिए, ये मैंडेटरी नहीं है। अभी जैसे जैसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आगे पढ़ेंगे तब आपको इसके पहलू ज्यादा समझ में आएंगे, बट फिर भी फॉर स्टार्टिंग डीपीएसपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इससे आप किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी कंट्री की गवर्नेंस को एस्टिमेट या एनालाइज कर सकते हैं जहां जहां डीपीएसपी दिए गए हैं। क्लियर है बात? सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट विद दी क्लास। क्लास चालू करने से पहले एक ये छोटा सा हमारा एड कमर्शियल। वेलकम बैक टू दी क्लास। अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है डीपीएसपी। आप सभी को पता ही है डीपीएसपी के बारे में पढ़ रहे हैं। सो पहले डीपीएसपी के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देता हूं। डीपीएसपी जैसा नाम से ही पता पड़ रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि ये डायरेक्शंस है, ये निर्देशन है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में डाल दिए गए ताकि वो चाहते थे कि भैया हमारी जो आने वाली सरकारें हैं इसको अमल करें जब भी वो पॉलिसीज या लॉ बना रही हैं। जिस समय ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल या जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तब हमने एक पार्ट तो रखा फंडामेंटल राइट का, तब एक पार्ट हमने रखा फंडामेंटल राइट का, जो अधिकार या जो दुख हमारी जनता झेलती हुई आ रही थी इतने सालों से शोषण से, पहले किसी पहले हमारे अर्स्ट वाइल राजे रजवाड़ों ने किया, फिर हमारे को ब्रिटिश रूल ने किया, इंडिजीनियस राजाओं ने किया, जो भी तरीके भेदभाव, जो भी तरीके की हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी उनको निपटारा देने के लिए हमें फंडामेंटल राइट दिए गए, जिसको हम बहुत अच्छे से डील कर चुके हैं। क्यों दिए गए, क्या दिए गए, क्या क्या अधिकार हैं, ये सब हम लास्ट लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं इन पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स को बोला कि एक आदर्श देश बनाने के लिए जिस तरीके की सोच हम रखते हैं फंडामेंटल राइट से भी काम नहीं होगा। फंडामेंटल राइट देने से हमारे को सिटीजन को अधिकार तो मिल जाएंगे, लेकिन हम जिस तरीके का देश बनाना चाहते हैं, जो हम इमेजिन कर रहे हैं या जो हम इमेज रखते हैं इस देश को, देखना चाहते हैं एट दी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, तो वो जब तक हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं डालेंगे तब तक ये देश नहीं बनेगा। तो इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल को डाला गया पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये बेसिकली डायरेक्शन है, ये मैंडेटरी नहीं है। जिस तरीके से फंडामेंटल राइट पे गारंटीड राइट्स है, सुप्रीम कोर्ट गारंटी देता है, डीपीएसपी अनफॉर्चुनेटली गारंटीड नहीं है या बैकड अप बाय सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कि अगर स्टेट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पालन नहीं किया, डायरेक्शन का पालन नहीं किया, तो आप कोर्ट में उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते कि भैया ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है, आपको मानना ही पड़ेगा।
अब जब अपन ऐसी बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है कि भैया क्यों डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट की तरह ही क्यों पावर नहीं दे सकते थे, और क्यों हम फंडामेंटल राइट वाले पार्ट में ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल को डाल देते। तो जैसा कि आपको पता है, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, फिर 1950 में हमारा जब संविधान बना, तो हम उस समय क्या है, अस्त व्यस्त रहे। हमारा पूरा देश जो था वो पूरा खोखला हो चुका था। हमारे देश में रिसोर्सेज की कमी थी, पैसों की कमी थी, इम्पॉवरिश्ड कंट्री थी, बहुत ही बैकवर्ड लेवल पे हम पहुंच चुके थे। तो हमें ग्रो करना था, हमें ग्रो करना था, हमें आगे बढ़ना था। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस लेवल पे हम थे, हमारे पास जो रिसोर्सेज थे या जो हमारे संसाधन थे, वो इतने पर्याप्त नहीं थे, वो इतने एप्ट नहीं थे कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल को भी दे सकें। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो डायरेक्शन हमें दिए गए हैं इन पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, इन पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्हें हाथों हाथ इंप्लीमेंट भी किया जाए। लिमिटेड रिसोर्सेज थे और इतनी बड़ी ह्यूमंगस पॉपुलेशन थी उस वक्त, 38-39 करोड़ की पॉपुलेशन थी। तो उन लोगों को फंडामेंटल राइट पहले ही देने थे, इसके साथ साथ हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं दे पा रहे थे, इसलिए इन्हें सेपरेटली पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, जिसमें यह बोला गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जरूरी तो उतने ही हैं जितने फंडामेंटल राइट जरूरी हैं, बट क्योंकि फंडामेंटल राइट गारंटीड है, इसे अभी हम गारंटी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो इसे एज अ डायरेक्शन माना जाए, इसे एज अ डायरेक्शन माना जाए, ऐसे एज अ निर्देश माना जाए, निर्देशन माना जाए कि आप कभी भी देश को जो गवर्न कर रहे हैं, जो भी सरकारें गवर्न करेगी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आएगी चुनाव और देश को गवर्न करेगी, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए अपनी पॉलिसीज और लॉ बनाए, अपने सारे कानून, अपने सारे प्रोग्राम्स, अपनी सारी पॉलिसीज जो हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए बनाए। फंडामेंटल राइट को मद्देनजर रखते हुए तो बनाना ही है, उसको तो आप वायोलेट कर ही नहीं सकते क्योंकि वो गारंटीड बाय दी कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे ही फंडामेंटल राइट वायोलेट हुआ, आप कहाँ पहुंच जाओगे भाई, आप पहुंच जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ क्या दिक्कत है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं पहुंच सकते, पर क्योंकि ये जरूरी है, देश जैसा हम बनाना चाहते हैं, हम इन द सेंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स थे या जिन्होंने हमारे को आजादी दिलाई वो बनाना चाहते थे, उसके लिए ये निर्देशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसको मैंडेटरी न करने से, गारंटी न करने से क्या हुआ, एक तो रिसोर्सेज की कमी थी तो इस वजह से हम इनको गारंटी नहीं कर पाए, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया। इंपॉर्टेंट कैसे बन गया, ये सिटीजन के लिए कुंजी बन गया, एक एक सिटीजन के लिए कुंजी बन गया, ठीक है, एक की बन गया कि मेरे को पॉलिटिकल पार्टी को एनालाइज करना है कि भैया बीजेपी सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, कांग्रेस सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, या फॉर दैट मैटर कोई भी पार्टी विच इज इन गवर्नेंस जो भी आती है वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसकी कुंजी क्या है, उसकी कुंजी है डीपीएसपी। अगर वो डीपीएसपी पे अमल कर रही है, क्या है डीपीएसपी, अभी अपन आगे आगे चर्चा करेंगे, सब कुछ अपन पढ़ेंगे, अभी मैं आपको डीपीएसपी का जनरल ब्रीफिंग दे रहा हूं, ताकि एज अ सिटीजन, नॉट एज अ स्टूडेंट राइट नाउ, बट एज अ सिटीजन यू शुड बी नोइंग व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो एज अ सिटीजन जब डीपीएसपी हमारे को समझ आ जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी गवर्नेंस सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं। अब मुझे देख लिया कि मैंने ये पार्टी जो डीपीएसपी में दिया गया है उसको अमल करने के लिए लॉ बना रही है या लॉ बनाते वक्त उनको ध्यान रख रही है, तो मैं बोलूंगा कि ये पार्टी सही है, ये सही जगह काम कर रही है, ये सही ट्रैक पे चल रही है, जो सपना हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स ने देखा था उसके थ्रू, उसी विजन के साथ ये आगे काम कर रही है। अब इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जरूरी नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स ने जो सपना देखा था या जो विजन देखा था हमारे भारत देश का, वो भी वही विजन आज भी चलना चाहिए, क्योंकि आज हम 2022 में खड़े हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर 1947-1950 में खड़े थे, तो ऑब्वियस ही बात है इन 70-75 सालों में दुनिया बदल चुकी है, पूरी दुनिया बदल चुकी है। तब टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ नहीं था, या इस तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, टीवी नहीं हुआ करती थी, बहुत सारी चीजें नहीं होती थी, तो इतना ग्रोथ सिस्टम नहीं था। अब पूरी इकोनॉमी, पूरा वर्ल्ड ही चेंज हो चुका है, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, क्लियर है बात, तो अब पूरा पूरा देश, दुनिया, सिस्टम, सब कुछ काम करने का तरीका सब कुछ बदल चुका है। तो हो सकता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल उन्होंने डाले थे वो आज की तारीख में वैलिड नहीं हो, या थोड़े से आपको क्या लगे, आउटडेटेड लगे, आर्केइक लगे, तो उनको इग्नोर भी किया जा सकता है, बट मोटा मोटा इसके अंदर आपको सारी चीजें वो मिलेंगी जिससे आप किसी भी गवर्नेंस को एनालाइज कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल सही है और आज के समय में भी इंप्लीमेंट किए जाने चाहिए, तो आपको बहुत आसान से, आपको बहुत आसान कुंजी मिल जाएगी कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एनालाइज कर सकते हो। और जब आप एनालाइज करो, तो जब आप वोट देने जाओ, तो बस इस एनालिसिस के बेस पे आप वोट दीजिए।
हम क्यों किसी के हिंदू मुसलमान या मंदिर या मस्जिद के बेस पे वोट दे रहे हैं? ये तो हमारा एम है नहीं ना, हम देश बना रहे हैं, हम कोई मंदिर तो बना नहीं रहे या हम कोई मजहब तो बना नहीं रहे, रिलीजन तो नया बना नहीं रहे, हम देश है, देश में नागरिक रहता है, तो देश के लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि देश की गवर्नेंस इन पहलुओं पे काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर आपके पास ये सारे पॉइंट है, अभी लोगों के पास पॉइंट ही नहीं है, जिन लोगों को जो लोग वोट देते हैं वो सिर्फ अपनी लाइकिंग की वजह से वोट देते हैं, या तो कोई उनका मिलने वाला होता है, जब मैं लोकल चुनाव की बात करूंगा, या उनकी पार्टी से कोई ना कोई अटैचमेंट होता है तो पार्टी को वोट दे देते हैं, या फिर कोई एक लीडर होता है जिसके बेस पे वो पूरे देश को वोट दे रहे हैं। अब लीडर तो एक ही है, सपोज बीजेपी का एक लीडर है नरेंद्र मोदी जी, जो आप सब जानते हैं, वो बहुत ही बढ़िया लीडर, मैं बोलता हूँ बहुत ही बढ़िया ऊंदा लीडर है, या कांग्रेस के कोई है तो बहुत ही बढ़िया ऊंदा लीडर है, पर वो तो एक ही इंसान है ना, इसका ये मतलब थोड़ी पूरी कांग्रेस पार्टी अच्छी हो जाएगी, या मोदी जी अच्छे हैं तो पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी अच्छी हो जाएगी। पार्टी को कैसे एनालाइज करोगे आप? हम क्या कर रहे हैं, हम आदमी के बेस पे पार्टी चुन रहे हैं, सब जगह, देश में भी चुन रहे हैं, स्टेट इलेक्शन में भी चुन रहे हैं, कि भैया मोदी लहर चल रही है तो सबको चुन लिया। आपको पार्टी को एनालाइज करना है, आपको गवर्नेंस को एनालाइज करना है, आपको इंडिविजुअल को एनालाइज नहीं करना है। इंडिविजुअल तो एक जाके प्रधानमंत्री बनेगा, वो सिस्टम से बन जाएगा, बट पार्टी सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, गवर्नेंस सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, वो आपको इस तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो आई होप आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल का थोड़ा बहुत जिस्ट हो गया होगा कि क्या चीज है। बाकी अभी अपन आगे धीरे धीरे करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ लेते हैं, जनरल ज्ञान तो हो ही गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप वोटिंग एज में आते हैं, ऑब्वियसली आते ही होंगे, आप मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं टारगेटेड है, बट और भी लोग देख सकते हैं, जरूरी नहीं है, और जिन लोगों को ज्ञान नहीं है तो उनको भी आप ज्ञान दीजिए कि भैया डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस तरीके से आपकी हेल्प करेंगे, आपको देश को बेहतर बनाने में हेल्प करेंगे। सो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एनुमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल नंबर 36 to 51। अब पार्ट 3 था फंडामेंटल राइट, अभी अभी ताजा ताजा हमने खत्म किया है, अब आ गया हमारा पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 3 के बाद 4 ही आता है। तो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आर्टिकल इसमें कवर होते हैं 36 से लेके 51, आर्टिकल नंबर 36 टू आर्टिकल नंबर 51। द फ्रेमर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड दिस फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको हमने, अगर हमसे कोई क्वेश्चन आता है कि भैया कहाँ से आया हमारे को ये डीपीएसपी का ख्याल, कहाँ से आया है ये सपना, हमारे को कहाँ से आया, तो ये आया हमारे को बेसिकली आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, या ऐसा बोल सकते हैं कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको अडॉप्ट किया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है सपना। तो ये हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन नाम की एक चीज होती थी इन 1935 एक्ट, वहीं से हमने इसको चालू किया है। तो दिया हमारे को ये ब्रिटिशर्स नहीं था, वो अपने गवर्नर जनरल वाइस रॉय इसको ऑर्डर देते थे, डायरेक्शन देते थे, उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। बट फाइनली जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की बात करेंगे तो हमने इसे अडॉप्ट किया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने, और इनफैक्ट आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसको अडॉप्ट किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश ने लिया स्पेनिश से, हमने लिया आयरिश से। तो हमने कहां से लिया, हमारे को तो आयरिश ने दिया, तो हम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ही जवाब में लिखेंगे अगर आपके पास प्री में क्वेश्चन आता है तो। डॉक्टर बी आर अंबेडकर डिस्क्राइब दीज प्रिंसिपल एज नोवल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नोवल फीचर है, अच्छे फीचर है, नोवल बहुत ही ये बहुत ही ज्यादा जरूरी फीचर है, जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट समझाई डायरेक्टिव की, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर भी मेरे ही ख्यालात के आदमी थे शायद, हाँ, तो उन्होंने ये बोला कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला कि दीज आर दी नोवल फीचर्स ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, रादर उनके जैसे ख्याल हमारे पे है, इट वॉज अ पन इंटेंडेड सो डोंट टेक इट अदरवाइज। सो नोवल फीचर्स एंड नोवल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसको बोला गया कि दीज आर नोवल फीचर्स। अब इसके अलावा इसके आगे आगे काम अभी आते रहेंगे, नोवल फीचर तो आई लेकिन किस तरीके से इसका फायदा उठा सकते हैं ये भी धीरे धीरे आपको समझ आएगा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ दी रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, एन्यूमरेटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ये बेसिकली क्या था, रिजेंबल करता है, मॉडिफाइड वर्जन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ओनली। द एम्बॉडी द कंसेप्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। अब वेलफेयर स्टेट क्या, हमारे देश का, हमारे को जो देश हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर को बनाना था, या हमारा जो विजन था उसमें हम वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना चाहते थे, कि हम एक ऐसी स्टेट क्रिएट करना चाह रहे हैं जहाँ पे लोगों के पास जस्टिस हो, राइट्स हो, अधिकार हो, डेवलपमेंट हो, सारी जो जो भेदभाव हमारे इतने सालों से, जो जो शोषण हम इतने सालों से सहन करते आए हैं वो सब खत्म हो, तो इस प्रकार की हमारे को स्टेट बनानी थी। तो ये सारे जो पार्ट हैं,
जस्टिस प्रोवाइड कराना, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल लेवल पे इक्वालिटी लाना, लिबर्टी देना, फ्रेटर्निटी क्रिएट करना, ये सारी चीजें एम्बॉडी की गई है इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल के थ्रू। इसके अंदर जो जो कंटेंट है जो हम आगे पढ़ेंगे वो सारा का सारा एट द एंड ऑफ द डे अगर हम बात करेंगे तो क्या करने के पीछे निकला हुआ है, क्या मेन पर्पज है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, टू क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट, ताकि हम सबका भला करें, सबका साथ, सबका विकास। सो बेसिकली दीज आर द डायरेक्शंस। आज माँ बाप अगर चाहते हैं अपने बच्चे को अच्छा बनाना तो उसको क्या करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं। बच्चा बने ना बने वो तो दैट इज अ लेटर स्टेज, बट पहला क्या होता है, डायरेक्शन देते हैं। अगर सही डायरेक्शन देंगे कि भैया इस तरीके से इस रोड पे जाना है, इस रास्ते पे चलना है, तो इवेंचुअली जाके उसके साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो सिमिलरली हम वेलफेयर स्टेट अगर हमारे को बनानी है, हमारे देश को एक उच्चतम देश बनाना है, इस वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे हमारे देश को कहीं स्टैंडिंग देनी है, तो हमारे डायरेक्शन जो हमारे देश को देने हैं, हमारी गवर्नेंस को जो डायरेक्शन देने हैं, वो भी कुछ इस प्रकार के होने चाहिए जिससे वेलफेयर स्टेट क्रिएट की जाए, जहां पे सारे भेदभाव, सारे डिस्क्रिमिनेशन सब हटे, कोई भी जस्टिस की अगर किसी भी हर प्रकार का जस्टिस मिले, हर प्रकार की लिबर्टी मिले, तो ये सब चीजें हमारे को देना जरूरी थी और ये ही हमें दिया गया है इन दी फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल दीज आर नॉन जस्टिसिएबल, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दीज आर नॉन जस्टिसिएबल विच इज अनलाइक फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर, दे आर गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत अपन क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और 226 के तहत अपन हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं फॉर रेमेडीज इन केस ऑफ एब्रोगेशन और वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रही स्टेट, स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रही, स्टेट मशीनरी आपकी गवर्नेंस अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहीं ऊंच नीच कर रही है, तो आप कोर्ट के पास नहीं जा पाएंगे या किसी भी बॉडी के पास आप नहीं जा सकते फॉर रेमेडीज और रिलीफ, क्योंकि दीज आर नॉट जस्टिसिएबल, दीज आर नॉन जस्टिसिएबल। कारण क्या है इनको नॉन जस्टिसिएबल रखने का, मैं आपको बता ही चुका हूं कि जब हमारा देश बन रहा था वी वर लैकिंग इन रिसोर्सेस, जब हमारा देश 1947 से 1950 में फ्रेम किया गया तब हमारे पास क्या था, रिसोर्सेस की कमी थी, हम हर चीज अधिकार के तौर पे नहीं दे सकते थे। हाँ विजन यही था कि धीरे 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 जैसे जैसे हम उन्नत होते जाएंगे, जैसे जैसे समृद्ध होता जाएगा हमारा देश, स्ट्रांग होता जाएगा, उसके पास अपने रिसोर्सेज क्रिएट हो जाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को भी कन्वर्ट किया जाए फंडामेंटल राइट्स या अन्य राइट्स में और उन पे भी गारंटी लगाई जाए। बट अनफॉर्चुनेटली इसको कोई ज्यादा महत्व तो सरकारों ने नहीं दिया और सरकारों और गवर्नेंस ने दिया नहीं, और यहाँ पे क्योंकि हमारा सिटीजन को भी इतना ज्ञान नहीं है कि होता क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप क्योंकि स्टूडेंट हैं पॉलिटी के, आप में से कई लोग जो भी स्टूडेंट होंगे कोई लॉ का होगा, तो उसको फिर भी पता होगा कि डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक नॉर्मल जनता से जाके पूछो, एक आम आदमी से जाके पूछो कि चचा डीपीएसपी क्या होता है, कभी सुना है क्या, तो बोलेगा नहीं भैया डीपीएसपी मैंने तो पता ही नहीं, ये तो कोई एसपी वेसपी होगा, जैसे पुलिस में होता है तो किसी और डिपार्टमेंट का एसपी होगा। तो लोगों को डीपीएसपी पता ही नहीं है, उसको डिटेल ही नहीं पता है। स्कूल में भी आता है ये चैप्टर, पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता है स्कूल में, जैसे एडुकेशन होती है उस पर तो अपन कोई कमेंट कर ही नहीं सकते, तो वहां से भी गुजर जाता है। जबकि जैसा आपको पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये पता होगा तो आप चेक कर सकोगे कि जो पार्टीज काम कर रही हैं वो सही कर रही हैं। अभी तो हम क्या उनकी जो लड़ाई होती है छोटी मोटी जो सास बहू वाली लड़ाई है उसी में खुश हो रहे हैं कि भैया तुमने मेरा मंदिर बचाया, तूने मेरा मस्जिद गिराया, तूने मेरी ये करा, तूने मेरा वो करा, ठीक है। तो इस तरीके की लड़ाइयों पे फोकस हो जाता है, फिर न्यूज रूम जो है उनकी डिबेट में लोगों को इंटरेस्ट होता है, 9 बजे चीख चिल्लाहट जो होती है उसमें लोगों को इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ये तो पता ही नहीं है ना लोगों को, ये चीज तो लोगों को पता ही नहीं है कि डीपीएसपी चीज क्या होती है। तो इसलिए डीपीएसपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और गवर्नेंस ने इस पर महत्व तो कम दिया क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। जब लोग अवेयर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनको पता पड़ जाएगा कि लोग आर अवेयर नाउ, अब वो हमें कभी भी लात मार सकते हैं अगर हम डीपीएसपी पे काम नहीं करेंगे तो। सो डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल अभी तक इन नेचर एंड दे आर नॉट लीगली एनफोर्सिबल बाय द कोर्ट, देयरफॉर द गवर्नमेंट कैन नॉट बी कंपेल्ड टू इंप्लीमेंट देम। इसलिए आप गवर्नमेंट पे क्या कर सकते हो, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, बट आप क्या कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास, क्योंकि हमारी जो सरकार है गवर्नमेंट को हम क्या कर सकते हैं, हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट बदल तो सकते हैं, तख्ता पलट तो कर सकते हैं अगर हम देखेंगे कि डीबीएसपी फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल दो नॉन जस्टिसिबल नेचर हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ।
अब क्या है, डीपीएसपी जैसा मैंने आपको बताया सिटीजन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, सिटीजन के लिए एक एनालाइजर है, एनालाइज करने में, एनालिसिस करने में मदद करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक तरीके से बहुत काम की चीज है। सुप्रीम कोर्ट भी किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जानने के लिए डीपीएसपी पे फोकस कर सकता है। अब कई बार क्या होता है, फंडामेंटल राइट को वायोलेट करते हुए लॉ बन जाते हैं, कई बार फंडामेंटल राइट को वायोलेट करते हुए लॉ बन जाते हैं। वैसे तो फंडामेंटल राइट को वायोलेट करते हुए लॉ बन नहीं सकता, उस पर रोक है, कोई भी ऐसा लॉ आर्टिकल 13 रोक लगाता है कि फंडामेंटल राइट को वायोलेट करते वाला कोई सा भी लॉ मान्य नहीं होगा, इट विल बी नल एंड वॉइड। लेकिन फिर भी इफ सम फंडामेंटल राइट इज बीइंग वायोलेटेड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी, अगर डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है तो उसकी वैलिडिटी अपहेल्ड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट कि हाँ भैया ये लॉ वैलिड है क्योंकि ये डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए लाया गया है और नहीं इसका मेन फोकस फंडामेंटल राइट को वायोलेट करना है, तो ऐसा किया जा सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक हेल्पफुल कुंजी बन जाता है, हेल्पफुल की बन जाता है। हालांकि जो मैं सिचुएशन बता रहा हूं, मैं आपको एक करंट सिचुएशन बता रहा हूं और इसमें भी सारे डीपीएसपी नहीं आते, ओनली सर्टेन डीपीएसपी आते हैं। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की लड़ाई, तो 39B और C जो हमारे डीपीएसपी है उनको लागू करने के लिए, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए अगर फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहे हैं तो ही माना जाता है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि कोई सा भी डीपीएसपी लगाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए आप कोई सा भी फंडामेंटल राइट वायोलेट कर दोगे, ये नहीं है। बट फिर भी अगर जनरल सेंस में अगर इसको बात करें, या अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट अगर हम किसी लॉ को देखेंगे जो कि फंडामेंटल राइट वायोलेट नहीं कर रहा बट अदर राइट वायोलेट कर रहा है या अगेंस्ट आ रहा है, अगर अगेंस्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो उसमें वो देख सकता है कि डीपीएसपी इंप्लीमेंट करने के लिए तो नहीं किया गया है, तो फिर उसको वो अपहेल्ड कर सकता है कि यार ये लॉ वैलिड है क्योंकि डीपीएसपी इंप्लीमेंट करने के लिए किया गया है। इसकी भी बहुत आगे जाके इंटरेस्टिंग लड़ाई हम पढ़ेंगे, डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट की, हमारे फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ आर इंडिपेंडेंस, जब से हमारी इंडिपेंडेंस हुई है तब से काफी सारी लड़ाई रही डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़े दिनों बाद या थोड़े लेक्चर्स बाद। अभी के लिए इट इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर मेंशन इन आर्टिकल नंबर 36 to 51 जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। आर्टिकल 36 तो आपको देता है स्टेट की डेफिनेशन, आर्टिकल 36 जो है वो स्टेट की डेफिनेशन देता है जो कि सेम है आर्टिकल 12 की डेफिनेशन। आर्टिकल 12 की डेफिनेशन याद है आप लोगों को, आर्टिकल 12 की डेफिनेशन ऑफ स्टेट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल राइट के लिए हमने पढ़ी थी ना पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेम टू सेम वही डेफिनेशन है इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 36। इनफैक्ट उसका वर्ड ये है कि इट स्टैंड सेम एज इन पार्ट 3, आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी है दैट स्टैंड सेम फॉर आर्टिकल नंबर 36 इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है आपका आर्टिकल नंबर 37। अब स्टेट में क्या क्या आते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, हमने पार्ट 3 के स्टेट के अंदर कौन कौन चीजें आती हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको आर्टिकल 12 में जो आती है वही आर्टिकल 36 में आती है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन कौन सी चीजें हैं जो स्टेट की डेफिनेशन में आती है इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि दोनों सेम ही है। अब आता है आर्टिकल नंबर 37। अब आर्टिकल 37 बोलता है, वही बात बोलता है कि दीज आर नॉन जस्टिसेबल, दीज आर नॉन जस्टिसेबल, ये ऐसे राइट है या ऐसे डायरेक्शन है स्टेट के ऊपर विच आर नॉन जस्टिसेबल, हाउएवर दीज आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। इसके साथ एक वर्ड लगाया गया है फंडामेंटल इन गवर्नेंस, आपकी गवर्नेंस के लिए भी बेसिक चीजें हैं, बहुत ज्यादा फंडामेंटल चीजें हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए डीपीएसपी का महत्व क्या है और हर स्टेट को इसको फॉलो भी करना, हर स्टेट को इसको डालना भी है, उसको डीपीएसपी पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो जब पॉपुलर वोट की बात आएगी, जब लोग वोट देंगे तो इसके बेस पे एनालाइज करेंगे कि सरकारों ने काम किया या नहीं किया, और नहीं किया तो लात मार के दूसरी सरकार को लेके आएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की जनता अभी तक इतनी समझदार हो नहीं पाई है, या उन तक ये इन्फॉर्मेशन अभी तक पहुंची नहीं है, या उनको डीपीएसपी का ज्ञात नहीं है, तो इसलिए अभी तक ये सरकारें इस तरीके से काम कर रही है। डीपीएसपी पे महत्व कम है, फालतू की नौटंकीबाजी पे महत्व ज्यादा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी सिटीजनशिप, जो हमारे सिटीजन है वो अवेयर हो जाएंगे, एडुकेट हो जाएंगे, लिटरेट हो जाएंगे कि इस तरीके से हमारे देश का स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो वो समझदार हो जाएंगे और फिर ये ही डीपीएसपी की इकलौती कुंजी रहेगी कि
कि जो काम कर रहा होगा इन पॉइंट पे उसको हम लेके आएंगे और जो नहीं कर रहा होगा उसको हम टाटा बाय बाय बोल देंगे। तो ये तो आर्टिकल 36 आर्टिकल 37 जो है बेसिक है, डेफिनेशन और थोड़ी सी उसकी प्रोविजंस बताते हैं। फिर जो आर्टिकल 38 से आर्टिकल 51 है ये डील करते हैं मेन डायरेक्शन पे, जो डायरेक्शन दिए हुए हैं दिए हुए आर्टिकल नंबर 38 से लेके आर्टिकल नंबर 51 तक, ठीक है। तो आर्टिकल 38 टू 51 कंटेन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बाइफर्गेशन नहीं दे रखा कि कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल को किस तरीके से आपको क्लासिफाई करना है, बट क्योंकि जो इनका कंटेंट है, जो इनके अंदर सामग्री दी गई है, जो इनके अंदर भाषा दी गई है, उसके बेस पे क्या कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हो आप इनको तीन क्लासिफिकेशन में तोड़ सकते हो। पहला है सोशलिस्टिक, दूसरा है गांधीयन और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल। सोशलिस्टिक की बात करेंगे तो सोशलिस्टिक क्या है, समाजवाद की बात करेंगे। अब उस समय क्या था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो सोशलिज्म का कंसेप्ट बहुत ज्यादा प्रचलन में था, प्रेविलेंट था। रशिया नया नया 1920 के यूएसएसआर जो था हमारा, तो वो करीब 1920 के आसपास बना था सोशलिज्म, जहां पे सोशलिज्म को महत्व दिया गया था। और अमेरिका जो 150 साल का हो गया था, जहां कैपिटलिज्म इंपॉर्टेंट था, तो उसके फ्लॉज दिखने लग गए थे, उसके कहीं ना कहीं उसमें जो कमियां थी वो हमारे को उजागर हो रही थी। वर्कर्स का शोषण हो रहा था, अमीर लोग अमीर होते जा रहे थे, गरीबों पे अत्याचार हो रहा था, तो कैपिटलिज्म के कहीं ना कहीं जो नेगेटिव इल इफेक्ट है वो हमारे को डिस्क्लोज किए जा रहे थे। पॉजिटिव है, कैपिटलिज्म के भी पॉजिटिव हैं, लेकिन हमारी इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री है हमारे देश की, कि हम प्योरली कैपिटलिस्ट कंट्री कभी नहीं बन सकते, क्योंकि जैसे ही कैपिटलिज्म आएगा तो हमारे जो नीचे तबके के लोग हैं, नीचे वर्ग के लोग हैं, वो कभी भी बराबरी नहीं कर पाएंगे ऊपर के तबके लोगों के लिए, क्योंकि जब तक वो आएंगे तब तक सब कुछ ऊपर वाले लोग खा चुके होंगे। तो हम एकदम से कैपिटलिस्ट कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकते, हमें एक मिक्स अप्रोच ही रखनी पड़ेगी। बट उस टाइम क्या था, उस टाइम सोशलिज्म की बात बहुत ज्यादा चल रही थी, सोशलिज्म बहुत ज्यादा प्रिविलेंट था। तो ये जो प्रिंसिपल है ये उसी पे बेस्ड है कि सारे जो रिसोर्सेज है वो स्टेट ओन करे, और स्टेट ओन करने के बाद फिर उसको अपनी जनता में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो इस टाइप के जो डायरेक्शन है वो फॉल करेंगे आपके सोशलिस्ट में। तो इसलिए क्या है, इसको सोशलिस्ट, इसका कंटेंट जो भी होगा जब आप इसको पढ़ोगे, आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, आप जब इनको पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि इसकी भाषा यार सोशलिस्ट भाषा हो रही है, तो ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल होगा। इसके बाद आता है गांधीयन, गांधीयन प्रिंसिपल, जिसको कुछ ऐसे प्रिंसिपल होंगे जो गांधीयन बेस्ड होंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको गांधी जी की फोटो इमेजिन कर लेनी है। क्या करनी है, गांधी जी की फोटो इमेजिन कर ली। गांधी जी सबने देखी है, हमारे नेशनल फादर है, हमारे नोट पे है, नहीं देखी हो तो नोट पे उठा के देख लेना। हालांकि वो उनका पासपोर्ट साइज फोटो ही ऊपर ऊपर की है, पूरी फोटो नहीं है, बट फिर भी गांधी जी की फोटो आप इमेजिन करोगे तो आपको प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। गांधी जी कैसे थे, सिंपलिस्टिक आदमी थे, धोती कुर्ता पहनते थे, चोला पहनते थे, लाठी लेके चलते थे, चप्पल थी कभी बिना चप्पल के चलते थे, चश्मा पहनते थे, मस्त एकदम आदमी, बिल्कुल सिंपलिस्टिक जो लोग होता है, जो गांव के तबके के लोग होते हैं, एकदम खुशहाल जीवन, न ज्यादा मटेरियलिस्टिक जीवन, न कुछ ज्यादा चाहिए जीवन में, संतुष्ट आदमी जो होता है, उस तरीके के आदमी थे। तो गांधीयन प्रिंसिपल कौन से होंगे, डायरेक्शन कौन से होंगे, जो इस तरीके की बात करेंगे, जो विलेज की इंपॉर्टेंस बताएंगे, जो गांव की बात करेंगे, जो एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे, जो फार्मिंग की बात करेंगे, जो कॉटेज इंडस्ट्री की बात करेंगे, जो दूध की बात करेंगे, मिल्क की बात करेंगे, कि ये दूध देने वाले जानवर हैं, इनकी बात करेंगे। तो इनसे रिलेटेड जब भी कोई बात आ जाएगी तो आप किससे करोगे, वो क्या हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली गांधीयन प्रिंसिपल की बात हो जाएगी। क्लियर है बात। फिर तीसरा आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो लिबरल इंटेलेक्चुअल में आपको किसकी फोटो इमेजिन करनी है, जवाहरलाल नेहरू की कर लो और आपके बी आर अम्बेडकर साहब की कर लो। तो ये सब लोगों की भी आप फोटो इमेजिन करोगे। तो ये कैसे लोग थे, ये हिंदुस्तानी थे, पर इनकी वेशभूषा थोड़ी सी क्या थी, वेस्टर्न वेशभूषा थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनफैक्ट गांधी जी की भी पहले, अगर हम, ये तो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने ये वाली वेशभूषा ली, उससे पहले गांधी जी भी सूट बूट करते, लॉयर बैरिस्टर थे साउथ अफ्रीका में, तो उनकी वेशभूषा भी कुछ ऐसी थी। बट बाद में उनको लगा कि यार देश में तो इस टाइप का बनना जरूरी है, मार्केटिंग हो सकती है उनकी, हर नेता को अभिनेता तो बनना ही पड़ता है। तो उन्होंने ये वेशभूषा ग्रहण करी कि जिससे मेरी मास फॉलोइंग बढ़े, लोग मुझसे कनेक्ट हो पाए, क्योंकि अधिकतर जनता इस तरीके की है तो मुझे भी इस तरीके का होना पड़ेगा। इनफैक्ट आज मोदी जी हैं तो वो भी अपने आप में एक सुपरस्टार है, वो भी एक बहुत बड़े एक्टर है, आपने देखा होगा, उनकी मार्केटिंग भी बढ़िया है। तो इसी तरह हर नेता को अभिनेता तो होना ही पड़ता है, अगर मास कवरेज चाहिए या मास सपोर्ट चाहिए तो आपको ये सब चीजें तो करनी ही पड़ेगी। अभी जो लिबरल इंटेलेक्चुअल है ये क्या थे, ये सूट बूट में रहे, इन्होंने अपनी वेशभूषा चेंज नहीं करी, और इनके जो ख्यालात थे वो क्या थे, प्रोग्रेसिव ख्यालात थे।
जो हमारे देश में अगर कोई भी कमी पेशी थी या हमारे देश में कोई कमियां थी या गंदगियां थी या कुनीतियां थी उनसे ये दूर चाहते थे, अभी आगे की तरफ लिबरल एटमोसफेयर रख के या लिबरल थॉट प्रोसेस रख के आगे बढ़ना चाहते थे, इंटेलेक्चुअल बातें करना चाहते थे, प्रोग्रेसिव डायनामिक देश बनाना चाहते थे। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी प्रिंसिपल आएंगे टूवर्ड्स ग्रोथ, टूवर्ड्स डेवलपमेंट, टूवर्ड्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू थिंग्स, तो ये हो जाएंगी लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल डायरेक्शन में। क्लियर है? तो ये तीन तरीके से क्लासिफिकेशन आप याद कर सकते हैं, इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़िए, आपको धीरे धीरे लैंग्वेज से ही समझ में आने लग जाएगा कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करना चाहिए। इधर इट वुड बी अ सोशलिस्ट, जहां पे हम भलाई की बातें कर रहे हैं, एंटाइटलमेंट की बातें कर रहे हैं, स्टेट ओन स्टेट रिसोर्सेज ओन कर रही है और गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वैसी बातें कर रहे हैं, या फिर हम कॉटेज इंडस्ट्री को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, खादी को, फार्मिंग को, इन सब चीजों को बात कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस पे बात कर रहे हैं, तो गांधीयन प्रिंसिपल हो जाएंगे। लिबरल इंटेलेक्चुअल पे जब हम कोई भी प्रोग्रेसिव बात करेंगे तो वो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में आ जाएंगे। सो दीज आर दी बेसिकली ब्रॉडर क्लासिफिकेशंस। अब हम सोशलिस्ट कर लेते हैं आज, फिर आगे के जो गांधीयन और वो हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल वी विल बी डीलिंग इन दी नेक्स्ट क्लास, वैसे ही काफी लंबी क्लास हो चुकी है। सो आर्टिकल नंबर 38, सबसे पहला 36 37 क्लियर हो गया, 36 डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, 37 डील्स विद द प्रोविजन कि भैया ये जस्टिसेबल नहीं है, बट दीज आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। फंडामेंटल इन गवर्नेंस ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है गवर्नेंस में, और एज अ सिटीजन आपके लिए भी कम से कम आज से ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। किसी भी इलेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी पार्टी की परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, प्लीज इन इन पार्ट्स पे ध्यान दीजिए कि इस पे काम किया गया है या नहीं किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो उस सरकार को वापस लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही सरकार बदल सकते हैं, आप ही सरकार ला सकते हैं, आप ही सरकार को रख सकते हैं। ठीक है? नहीं तो क्या है, नहीं तो बस बात इतनी सी है, पहले दूसरे राजाओं और अंग्रेजों ने शोषण किया, अब ये 5 5 साल में नई नई सरकार आके वो शोषण कर रही है, शोषण चलता जाएगा, सिर्फ ऊपर की तक ऊपर के लोग चेंज हो रहे हैं, नीचे की जनता वैसे ही रह जाएगी फिर। तो ये सब चीजें हैं, आसान दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में, दे रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स ने सिटीजन के लिए कि भैया आप इसके बेस पे चेक करो, बट क्या है अनफॉर्चुनेटली हम कभी तक सिटीजन तक ये बात पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जो एडुकेशन ले रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ ऊपरी ऊपरी पढ़ रहे हैं, रटने के लिए पढ़ रहे हैं, अल्लाह डब्बा डब्बा चब्बा, उनको कोई मतलब नहीं है अंदर कौन सी कहानी दे रखी है, क्या फर्क पड़ता है। बट इसको जब कनेक्ट करोगे रियल लाइफ सिचुएशन से, रियल लाइफ गवर्नेंस से, तो बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है आपको और मिलेगी ही इनफैक्ट। फिर आता है आर्टिकल नंबर 38, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो जस्टिस की मार, जस्टिस की मार हमारे देश में हमेशा थी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जस्टिस इनजस्टिस हो ही रहा था, अमीर गरीब का इनजस्टिस था, मेल फीमेल का इनजस्टिस था, उन दोनों में भेदभाव था, पॉलिटिकल इनजस्टिस था, हर किसी को पॉलिटिकल पोजीशन होल्ड करने का अधिकार नहीं था, हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था, सोशल कास्टिसिज्म था, डिस्क्रिमिनेशन था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी हमारे देश में। तो इन सब से निवारण पाने के लिए हमारा जो ये आर्टिकल नंबर 38 है ये यही बोलता है कि हर सरकार को इसके प्रति स्टेप उठाने चाहिए कि हम हर प्रकार का जस्टिस हमारे सिटीजन को, हमारे देश के लोगों को प्रोवाइड कर सके, और सारी जो इनइक्वालिटीज हैं इनकम में, स्टेटस में, रहन सहन में, फैसिलिटीज में, सबको अवेलेबल हो, अपॉर्चुनिटीज सबको अवेलेबल हो, फैसिलिटीज सबको अवेलेबल हो, सबको अवेलेबल हो, पानी है नदी का तो सबको अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है जिस रजवाड़े में वो है या जिस एरिया में है उधर के लोगों को ही होगा। क्लियर है बात? तो ये सारी चीजें सबको अवेलेबल होनी चाहिए, इनकम डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इनकम डिफरेंस अगर कोई अमीर है, कोई ज्यादा कमा रहा है रिसोर्सेज यूज करके, तो उस पर आप टैक्सेशन करिए, और जो नीचे वाले लोग हैं उनको राशनिंग कीजिए, उनको एक्स्ट्रा फ्री में एंटाइटलमेंट दीजिए, तो ये इससे क्या होगा, गैप रिड्यूस होगा। तो इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए। तो आपको क्या देखना है, आप जैसे ही आपने ये पढ़ा आपको एक तो चीज समझ में आ गई कि ये सोशल सोशल वेलफेयर की बात कर रहा है, सोशलिज्म की बात कर रहा है, तो एक तो ये सोशलिज्म का पार्ट हो गया, कैटेगरी क्या होगी इसकी, सोशलिज्म होगी। दूसरी बात आपको पता पड़ेगा कौन सी सरकार इन पार्ट पे काम कर रही है, अगर कर रही है तो टिक लगाओ, नहीं कर रही तो क्रॉस कर दो कि इसको नहीं लाना। क्लियर है बात? और इसी को करते हुए प्लानिंग कमीशन 1950 में स्थापित की गई थी, जिसको अब नीति आयोग बोल दिया गया है, नीति आयोग में चेंज कर दिया गया है विद स्लाइट डिफरेंस एंड मॉडिफिकेशन इन इट 2015 में। पहले प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी कि देश का डेवलपमेंट अब हमें प्लान करना है, तो प्लानिंग कमीशन के थ्रू अब हम प्लान करेंगे, हर चीज पे फोकस करेंगे, सारे एरियाज को प्लानिंग कमीशन के थ्रू कैरी ऑन किया जाएगा, सब कुछ प्लान किया जाएगा। तो ये स्टेप था पहली सरकार का, मतलब
ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि सरकार ने इसके ऊपर काम किया, तभी तो प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई, क्योंकि प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में तो दी नहीं गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 1950 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर की बॉडी है, ठीक है। तो इसको बनाया मतलब इस सरकार ने इसके ऊपर काम किया, हमारे को यही देखना है कि सरकार ने काम किया या नहीं किया, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 39। आर्टिकल 39 क्या बोलता है, टू टू सिक्योर सिक्योर द द राइट राइट टू टू एडुकेट एडुकेट मींस मींस ऑफ ऑफ लाइवलीहुड लाइवलीहुड फॉर फॉर ऑल ऑल सिटीजंस। सिटीजंस। तो तो हमारे हमारे देश देश का का ये ये प्रयास प्रयास होना होना चाहिए, चाहिए देश देश की की गवर्नेंस गवर्नेंस जो जो भी भी है है उसका उसका प्रयास प्रयास होना होना चाहिए चाहिए कि कि वो वो अपने अपने देश देश की की जनता जनता के के लिए लिए रोजगार रोजगार क्रिएट क्रिएट कर कर पाए, पाए, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज क्रिएट क्रिएट कर कर पाए, पाए, सबको सबको ऐसा ऐसा मौका मौका दे दे कि कि वो वो अपनी अपनी लाइवलीहुड लाइवलीहुड अर्न अर्न कर कर सके, सके, ना ना कि कि फोर्स फोर्स लेबर, लेबर, बॉन्डेड बॉन्डेड लेबर, लेबर, मजबूरी मजबूरी वाली वाली लेबर लेबर में में काम काम करे। करे। ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज हमारे हमारे को को क्रिएट क्रिएट करनी करनी पड़ेगी, पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट क्रिएट करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी। तो तो हमारे हमारे को को ये ये देखना देखना है है कौन कौन सी सी सरकारें सरकारें रोजगार रोजगार क्रिएट क्रिएट करती करती है, है, तो तो रोजगार रोजगार योजना योजना हो हो गई, गई, नरेगा नरेगा योजना योजना हो हो गई, गई, ये ये सब सब उसी उसी का का पार्ट पार्ट है। है। हमारे हमारे को को देखना देखना है है कि कि आगे आगे भी भी कौन 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 इस इस पे पे काम काम करता करता है है और और कौन 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 नहीं नहीं करेगा। करेगा। अब अब ये ये सब सब चीजें चीजें आप आप बोलोगे बोलोगे सर सर ये ये हम हम पहले पहले ही ही हम हम गारंटी गारंटी करते करते थे थे कि कि भैया भैया ये ये चीज चीज तो तो देनी 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 है है सबको, सबको लाइवलीहुड लाइवलीहुड देनी 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 है, है, ये ये देश देश की की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी होनी चाहिए, चाहिए, ये ये हम हम शुरू शुरू में में डालते डालते थे थे कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में, में, तो तो हमारा हमारा देश देश उन्नति उन्नति कर कर लेता लेता अभी अभी तक। तक तो तो मैंने मैंने जैसा जैसा आपको आपको बताया बताया था, था, हमारे हमारे देश देश के के पास पास क्या क्या है, है, रिसोर्सेज रिसोर्सेज की की कमी कमी थी। थी। हमने हमने नया 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 देश देश बने बने थे, थे, लूटे लूटे हुए हुए थे, थे, अस्त्र अस्त्र स्त्र स्त्र थे, थे, तो तो हमारे हमारे पास पास रिसोर्सेज रिसोर्सेज की की बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा कमी कमी थी। थी। हमारे हमारे डायरेक्शन डायरेक्शन इसलिए इसलिए डाले डाले गए गए कि कि धीरे 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 जैसे 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 हो हो आप आप लोग लोग इसको इसको मैंडेटरी मैंडेटरी करते करते जाना। जाना। बट बट अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैंडेटरी मैंडेटरी तो तो नहीं नहीं हुआ, हुआ, बट बट एटलीस्ट एटलीस्ट प्रयास प्रयास किए किए जा जा रहे रहे हैं हैं कि कि जैसे 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 एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज ऑल ऑल ओवर ओवर दी दी कंट्री कंट्री क्रिएट क्रिएट हो हो जाए। जाए। फिर फिर बोला बोला गया गया कि कि आपको आपको ये ये सिक्योर सिक्योर करना करना है है द द इक्विटेबल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफ मटेरियल मटेरियल रिसोर्सेज रिसोर्सेज ऑफ ऑफ द द कम्युनिटी कम्युनिटी फॉर फॉर कॉमन कॉमन गुड। गुड। तो तो जितने जितने भी भी रिसोर्सेज रिसोर्सेज हैं हैं इस इस भारत भारत देश देश के, के, वो वो सब सब में में डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट होने होने चाहिए, चाहिए, इट इट शुड शुड सर्व सर्व द द कॉमन कॉमन गुड गुड सबके सबके लिए लिए होने होने चाहिए। चाहिए। रेस्ट्रिक्टिव रेस्ट्रिक्टिव अमाउंट अमाउंट ऑफ ऑफ पीपल पीपल या या पर्टिकुलर पर्टिकुलर ग्रुप ग्रुप ऑफ ऑफ पीपल पीपल के के लिए लिए ये ये नहीं नहीं होने होने चाहिए चाहिए कि कि बिजली बिजली तो तो सिर्फ सिर्फ मेरे मेरे घर घर में में ही ही आएगी, आएगी, किसी किसी और और के के घर घर में में नहीं नहीं आएगी। आएगी। इस इस नदी नदी का का पानी पानी तो तो मेरे मेरे एरिया एरिया में में ही ही जाएगा जाएगा और और कहीं कहीं नहीं नहीं जाएगा। जाएगा। पहले पहले ऐसा ऐसा होता होता था, था, जो जो राजा राजा जहाँ जहाँ का का उसी उसी एरिया एरिया में में डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन होता होता था, था, वहीं वहीं की की नदी नदी है है तो तो वहीं वहीं जाएगी। जाएगी। तो तो ये ये सारी सारी लड़ाइयाँ, लड़ाइयाँ, इनफैक्ट इनफैक्ट अभी अभी भी भी प्रोविंसेस प्रोविंसेस में में लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ होती होती रहती रहती है, है, आपस आपस में में डिस्प्यूट डिस्प्यूट होते होते रहते रहते हैं हैं आपस आपस में। में। तो तो इस इस चीज चीज को को हमारे हमारे को को सिक्योर सिक्योर करना करना है है कि कि जितने जितने भी भी मटेरियल मटेरियल रिसोर्सेज रिसोर्सेज हैं, हैं, चाहे चाहे वो वो मैनमेड मैनमेड हैं, हैं, चाहे चाहे वो वो नेचुरल नेचुरल हैं, हैं, वो वो सबको सबको सबके सबके लिए लिए डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट होने होने चाहिए, चाहिए, पूरे पूरे देश देश को को डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट होने होने चाहिए, चाहिए, पूरे पूरे देश देश के के पास पास अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी होनी होनी चाहिए चाहिए कि कि भैया भैया वो वो उससे उससे अपना अपना फायदा फायदा उठा उठा सके, सके, क्योंकि क्योंकि देश देश के के फायदे फायदे के के लिए लिए देश देश की की जनता जनता के के फायदे फायदे के के लिए। लिए। तो तो वो वो पर्पज पर्पज भी भी उसका उसका क्या क्या होना होना चाहिए, चाहिए, देश देश की की जनता जनता के के लिए लिए होना होना चाहिए, चाहिए, नॉट नॉट फॉर फॉर अ अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर ग्रुप ग्रुप ऑफ ऑफ पीपल। पीपल। तो तो इसको इसको रिसोर्सेज रिसोर्सेज को को सबको सबको डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट करने करने के के लिए लिए लैंड लैंड रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स लाए लाए गए, गए, काफी काफी सारे सारे स्टेट्स स्टेट्स में में लैंड लैंड रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स लाए लाए गए, गए, जिससे जिससे पर्टिकुलर पर्टिकुलर सीलिंग्स सीलिंग्स लगाई लगाई गई गई कि कि कोई कोई भी भी आदमी आदमी इससे इससे ऊपर ऊपर लैंड लैंड नहीं नहीं अक्वायर अक्वायर कर कर सकता, सकता, होल्ड होल्ड नहीं नहीं कर कर सकता। सकता। और और इनफैक्ट इनफैक्ट जिनके जिनके पास पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लैंड लैंड है है उनकी उनकी लैंड लैंड लेके लेके फिर फिर गरीबों गरीबों में में डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट भी भी की की गई। गई। तो तो ये ये उन्हीं उन्हीं के के प्रयास प्रयास है, है, उसी उसी का का पार्ट पार्ट है। है। फिर फिर आता आता है है प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑफ वेल्थ वेल्थ एंड एंड मीन्स मीन्स ऑफ ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। आपको आपको ये ये सिक्योर सिक्योर करना करना है, है, आपको आपको ये ये इंश्योर इंश्योर करना करना है है कि कि वेल्थ वेल्थ जो जो है है इस इस देश देश की की या या जो जो भी भी मीन्स मीन्स ऑफ ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन है, है, ये ये चुनिंदा चुनिंदा लोगों लोगों के के हाथ हाथ में में ही ही नहीं नहीं रहे रहे या या पर्टिकुलर पर्टिकुलर ग्रुप ग्रुप ऑफ ऑफ पीपल पीपल के के हाथ हाथ में में ही ही नहीं नहीं रहे। रहे। रादर रादर इट इट शुड शुड बी बी अवेलेबल, अवेलेबल, द द अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज एटलीस्ट एटलीस्ट शुड शुड बी बी अवेलेबल अवेलेबल टू टू एवरीबडी। एवरीबडी। हर हर किसी किसी को को ये ये हक हक होना होना चाहिए चाहिए कि कि उस उस वेल्थ वेल्थ का का पार्ट पार्ट उस उस वेल्थ वेल्थ के के पार्ट पार्ट को को अक्वायर अक्वायर कर कर सके, सके, मीन्स मीन्स ऑफ ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन में में अपनी अपनी हिस्सा हिस्सा
अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो अमिताभ जी ने बहुत सारी पोलियो की दवाइयां पिलाई है, दो बूंद जिंदगी की, एक आई गई है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में अगर कोई बीमारी हो रही है या बच्चों में कोई भी कोई भी माल न्यूट्रिशन है, कोई भी कमी है जो देश में प्रेवलेंट है, या कोई भी ऐसी कोई ऐसी एपिडेमिक फैल चुकी है, तो उसको रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए हेल्दी डेवलपमेंट हो सके जिससे चिल्ड्रन का। फिर ऐसा एटमोसफेयर बनाना चाहिए बच्चों के लिए, चाइल्ड अब्यूज पे रोक लगे, चाइल्ड लेबर पे रोक लगे, ताकि एक बच्चे का पूरा क्या हो, विकास हो, पूरा का पूरा विकास हो। क्योंकि बच्चे ही क्या है, हमारे देश का फ्यूचर है। अगर बच्चे अच्छे से ग्रो करे तो हमारा देश अच्छे से ग्रो करेगा। फिर आता है आर्टिकल नंबर 39A। आर्टिकल 39 में वो सारे के सारे पॉइंट आ गए, ए टू लेकर एफ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 पॉइंट आ गए। अब आता है आर्टिकल नंबर 39A। आर्टिकल 39A बोलता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू दी पुअर। इक्वल जस्टिस होना चाहिए, तो जस्टिस तो हमारा वैसे ही इक्वलिटी की बात करता है, अंधा कानून है वो, किसी में भेदभाव देखता नहीं है। ये प्रिंसिपल हमें पहले ही लेट डाउन कर दिए गए थे, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हम पढ़ चुके हैं फंडामेंटल राइट में। तो सबको इक्वल जस्टिस मिले, ये हमारी चाह हमेशा से रही है, और सिक्योर करना हमारी गवर्नेंस की, इंश्योर करना हमारी गवर्नेंस की का कर्तव्य है। साथ ही साथ फ्री लीगल एड दी जाए, ये अमेंडमेंट के तौर पे, पहले ये पॉइंट नहीं था, बट अब जैसे जैसे हम आगे देश इवॉल्व होता गया, डेवलप होता गया, तो हमें पता पड़ा कि भैया ये लीगल एड वाला जो कंसेप्ट है ना, ये तो अमीरों का ही कंसेप्ट है। अगर मेरा फंडामेंटल राइट भी वायोलेट हो रहा है, तो मैं गरीब आदमी कहाँ जाऊँ? फंडामेंटल राइट वायोलेट होने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट में मेरे को मुहिम लगानी है, मेरे को सारा प्रोसेस फॉलो करना है, तो इतना पैसा तो मेरे पास है ही नहीं, इतना पैसा तो मेरे पास है ही नहीं। तो ये लीगल एड बना तो दिया आपने, बट ये अवेलेबल नहीं है ना सिटीजन को, एक आम आदमी को तो अवेलेबल ही नहीं है। तो उसको अवेलेबल कराने के लिए क्या जरूरत बन गई कि भैया आपको फ्री लीगल एड के प्रोविजन क्रिएट करने पड़ेंगे। ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ कि लीगल एड क्या हो, सबको मिले, बिना मांगे मिले, अवेलेबल है। तो इसलिए हमारे को क्या, फिर नालसा एक्ट लाए गए, जिससे हमने क्या करा, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है, उनको भी लीगल एड मिलेगी, फ्री लीगल एड मिलेगी। आप जाएं और आपको ये एड, अगर आप उसके क्राइटेरिया में आते हैं, जब आपका इनकम ब्रैकेट उससे कम है, या आप दूसरी कैटेगरी ऑफ पीपल में आते हैं, विमेन में आते हैं, बच्चों में आते हैं, ओल्ड एज सिटीजन में आते हैं, तो आपको फ्री लीगल एड बनेगी, भले ही आपके पास लॉयर रखने का पैसा हो या नहीं हो, लिटिगेशन का पैसा हो या नहीं हो, आपको लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी। नहीं की जाएगी तो फिर वो दिक्कत है, वो एक्ट उसको प्रोहिबिट कर रहा है, जो नालसा एक्ट है वो उसको प्रोहिबिट कर रहा है कि आपको नहीं मिलती तो फिर आप कोर्ट के पास जा सकते हो। तो दिस इज अ प्रयास अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फिर क्या बोला गया आर्टिकल 42 में, आर्टिकल 42 बोला गया टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ द वर्क एंड मैटरनिटी लीव रिलीफ। तो आपको वर्किंग कंडीशन अच्छी बनानी पड़ेगी, मिनिमम वेजेस एक्ट जो है कि भी आपको इतना पैसा तो देना देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, ताकि आपकी कंडीशन सही हो, ठीक है। फिर आपको वहां पे जो आपके डिपार्टमेंट है, वहां पे ऐसी कंडीशन बनाए जहां पे आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर की जाए, एनवायरमेंट ह्यूमन होना चाहिए, मतलब इंसानियत वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने कारखाना बना दिया, उसमें आप काम करा रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो आपको कंडीशंस ऐसी बनानी पड़ेंगी कि एक आदमी वहां पे अच्छे से काम कर सके, अपना पूरा जीवन वहां बिता सके काम करते करते। तो इस तरीके की कंडीशन बनानी पड़ेगी, प्लस औरतों के लिए मैटरनिटी रिलीफ देनी पड़ेगी आपको। अब देखिए हमारा देश यहाँ पे प्रोग्रेसिव बातें हो रही है, कहाँ तो हमारे देश में सती और दहेज की बातें हो रही थी, और कहाँ अब हम मैटरनिटी रिलीफ की बातें कर रहे हैं। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का नजरिया ही कुछ ऐसा था, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐसे डायरेक्शन है कि हम हमारे देश को इन विचारों पे ले जाना चाहते हैं, इस तरीके का हमारा देश बनाना चाहते हैं। तो मैटरनिटी रिलीफ मिलनी चाहिए कि भैया मैटरनिटी रिलीफ है भैया, अभी जरूरत है इनको, इनको छुट्टियों की जरूरत है, तो आपको देनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैटरनिटी रिलीफ एक्ट भी लाए गए, क्लियर है। तो इन सबको लाने के लिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में नहीं डाले गए, तो बाद में इनको एक्ट के तौर पर लाए गए, बट पर्पस क्या है, देश को वेलफेयर स्टेट बनाना, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 है आर्टिकल 47, वैसे तो लैंग्वेज से आपको समझ में आ रहा है, मैं एक बार और समझा देता हूँ। टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर्स। तो लिविंग वेज आपको मिले, इस आप सिक्योर करें, मतलब आपको आप जब भी काम कर रहे हैं, काम के वक्त तो आपको पैसा मिलेगा मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पेंशन मिले, ग्रेचुटी मिले, ये इंश्योर किया जाए। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आप ताकि मेंटेन कर सके, और अपने कल्चरल जो प्रोग्राम्स हैं, आप अपने तीज त्योहार मना सके, इतनी अपॉर्चुनिटी आपको सरकारों को प्रोवाइड करानी पड़ेगी, गवर्नेंस को ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कराना पड़ेगा, पड़ेगा इन द सेंस इन द फ्यूचर आपको पढ़ाना पड़ेगा, प्रोवाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो देश के पास रिसोर्सेज नहीं है, बट धीरे धीरे सरकारों को इन पे काम करना है, और सरकारों ने इन पे काम किया।
फिर आर्टिकल 43A किया नहीं किया यही आपको जज करना है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, पहले किसने किया नहीं किया ये सब आपको जज करना है, आगे कौन करेगा कौन नहीं कर पाएगा यही सब आपको देखना है। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, अब आपको ऐसे स्टेप करने हैं कि जो वर्कर्स हैं वो भी मैनेजमेंट को भी संभालें, आपको ऐसा नहीं है कि वर्कर सिर्फ काम करने के लिए है, उसका भी अपना से होना चाहिए इंडस्ट्री में, उसका भी मैनेजमेंट में एक से होना चाहिए। तो आपने ट्रेड यूनियन बनाने, लेबर यूनियन बनाने का अधिकार दिया, फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव को आपने मैनेजमेंट में बैठाने का अधिकार दिया, तो ये सब उसके पार्ट है इन इंप्लीमेंटेशन टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। फिर आता है आर्टिकल 47, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, तो अब ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़े हमारे देश का। तो हमने हर चीज को आपने कैटेगराइज करा कि भैया ये खाना चाहिए या ये नहीं खाना चाहिए, ISI मार्क है, FSSAI मार्क है, या पर्टिकुलर काइंड ऑफ रैंकिंग सिस्टम हुए, देन आपने इन्फॉर्मेशन सिस्टम लगाए, आप दूरदर्शन पे या रेडियो पे पहले अनाउंसमेंट होते थे कि कौन कौन सी चीजें अच्छी है, WHO द्वारा ये चीजें चलाई जा रही हैं, ORS के गोल, सबकी इंपॉर्टेंस आपने बताई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बताया, पब्लिक हेल्थ कैसे बचाई जाए, कैसे कूड़े कचरों से दूर रहे, कैसे सैनिटेशन प्रोग्राम लॉन्च हुए, कैसे आज हमारे घर के बाहर कचरा उठाने वाले आ रहे हैं। तो आपको ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे एक इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, पब्लिक हेल्थ बढ़े और लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़े। एक तो उस पर प्रयास भी करने हैं, साथ ही साथ आपको एडुकेट भी करना है, एडुकेट भी करना है, तो एडुकेट करना है, तो ये प्रयास जो भी है ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं आर्टिकल 47 के तहत। तो ये थे आपके सोशलिज्म प्रिंसिपल्स, क्योंकि अब देखो सारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, वेलफेयर स्टेट सोशल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी एज अ लार्ज की बात कर रहे हैं, उनके भले की बात कर रहे हैं, तो ये सारे नाम से ही पता पड़ रहा है क्या है इनकी जो इनका जो टेक्स्ट है इनकी जो लैंग्वेज है उससे ही पता पड़ रहा है ये किसमें आ रहे हैं, ये सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, तो इनको हमने कहाँ डाल दिया, सोशलिज्म वाली क्लासिफिकेशन में डाल दिया। अब जो हम पढ़ेंगे वो गांधीयन वाले जैसे होंगे, वो गांधी जी जैसा, आपको फोटो याद नहीं गांधी जी की, कि भैया विलेज से रिलेटेड बात होगी, चरखे से रिलेटेड बात होगी, खादी से रिलेटेड बात होगी, कैटल इंडस्ट्री से बात होगी, कॉटेज इंडस्ट्री से बात होगी, तो वो सब गांधी जी वाली बातें होंगी, क्लियर बात। और फिर बाद में लिबरल इंटेलेक्चुअल, अभी के लिए आपको सोशलिज्म तक पढ़ना था, तो आई सपोज आपको सोशलिज्म तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल समझ में आ गया हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और आपको एज ए सिटीजन भी अवेयरनेस थोड़ी सी क्रिएट हो गई हो, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल बी वोटिंग एटलीस्ट यू विल बी सीइंग व्हाट पार्टीज विच ऑल पार्टीज हैव वर्कड अपॉन डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड विच ऑल पार्टीज आर नॉट वर्किंग ऑन दीज प्रिंसिपल्स, तो उसके तहत आप अपने वोट को डिसाइड कर सकते हैं कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ अदर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, थैंक यू सो मच।